वहीं सकल जैन समाज की ओर से समाज अनुयायी द्वारा आंदोलन रैली निकाली गई, जिसमें श्री पुगलिया, युवा नेता राहुल पुगलिया और पुगलिया परिवार समेत हजारों जैन समाज महिला पुरुष अनुयायी शामिल थे। इस संबंध में जैन मंदिर की साध्वी जी ने इस परंपरा का महत्व बताया। इस आंदोलन को लेकर बंद को पूरा समर्थन मिला। आज जैन समाज की तरफ से जो रैली निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जयपुर हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जैन धर्म में संथारा एक प्रक्रिया है, जो भी व्यक्ति स्व इच्छा से अपने जीवन के आखिरी समय में स्व इच्छा से और अपने रिश्तेदारों के इजाज़त से अगर संथारा पचकान लेना चाहता है तो उसे इजाज़त है। और ये हजारों साल पुरानी परंपरा है और हाईकोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया है, जयपुर हाईकोर्ट ने उस निर्णय में ये प्रक्रिया को आत्महत्या करार दिया है। आत्महत्या मजबूरी में त्रस्त होकर व्यक्ति करता है, ये मजबूरी में नहीं होती है, ये बड़े आनंद के साथ स्वेच्छा से लोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये उपवास तपश्चर्या ये जैन धर्म के धार्मिक प्रक्रिया का मुख्य अंग है और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी भी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उसकी कॉपी प्रधानमंत्री जी को भी दी जा रही है, होम मिनिस्टर को भी सेंट्रल की दी जा रही है, मुख्यमंत्री को दी जा रही है। कुछ लोगों से निवेदन करूंगा कि 10 लोग दो गाड़ियों में बैठकर आप प्रस्थान करें और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन दें और जो जहां बैठा है वहीं बैठा है। 12:30 जैन मंदिर में चातुर्मास साध्वी हेम प्रज्ञा श्री, अभी आपने जो पूछा कि मोर्चा क्यों निकला, आखिर क्या कारण है, ये संलेखना क्या चीज होती है, संथारा क्या होता है, जैन धर्म में तप और त्याग की प्रधानता है और ऐसा कहा गया है कि इस जीवन यात्रा के दो पड़ाव हैं, जन्म और मरण। मरण के बाद जब वापिस जीवन प्रारंभ होता है वो क्यों होता है कि जितना जितना हमारे में इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, मोह होता है, आसक्ति होती है, उसके कारण दूसरा जीवन फिर प्रारंभ होता है और मुक्ति उसे कहते हैं जो निर्मोह अवस्था है और प्राय करके अपने शरीर में, अपने परिवार में, व्यापार में, आहार में, इन सब चीज़ों में व्यक्ति की आसक्ति बनी रहती है। पर मनुष्य जीवन को जो महत्वपूर्ण कहा गया है वो इसी अपेक्षा से कहा गया है कि इस जीवन में त्याग, तप, साधना बढ़ सकती है और अपने जीवन में त्याग, तप, साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मेरा समय बहुत निकट है, मृत्यु का समय बहुत निकट है, शरीर जर्जर हो चुका है, क्षीण हो चुका है,
अभी शरीर से कोई कार्य भी नहीं हो सकता है, तो क्यों ना मैं इस समय का भरपूर फायदा उठा लूं और इस शरीर से जितनी मैं साधना कर सकता हूं मैं क्यों ना कर लूं। और इसी भाव से वो सब का मोह त्याग करके परिवार का, व्यापार का, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी, आहार और पानी का भी त्याग करके पूरी तरह से स्वयं में लीन होने की साधना करता है, इसी का नाम संलेखना। संलेखना का अर्थ ही ये है कि सत को देखना, सत अर्थात आत्मा, आत्मा के स्वरूप को देखना, बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी बनना, इसका नाम ही संलेखना है। वर्तमान में कई लोग संलेखना का स्वरूप न समझ पाने के कारण इसे आत्महत्या करार दे देते हैं, पर वास्तव में आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या किसे कहते हैं? जब व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है, क्रोध में भर जाता है, कभी कभी वो जीवन से हताश हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या का आलम्बन लेता है। अर्थात उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं और उसे लगता है इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वह आत्महत्या होती है। वो बहुत निम्नतम स्थिति है। आत्महत्या कोई अच्छी बात नहीं है, वो बहुत जघन्य स्थिति है। और संथारा, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। शरीर से निर्मोह अवस्था आए बिना कोई संलेखना ले ही नहीं सकता। हजारों लोग मरते हैं पर कभी किसी को ध्यान भी नहीं आता होगा कि हमको संलेखना लेनी चाहिए। जिन्होंने जीवन में साधना की है, जिन्होंने जीवन में धार्मिक विधि विधानों को अपनाया है, वो ही जानते हैं कि अब अंतिम समय है, तो क्यों ना हम पूरी तरह से मोह का त्याग करें और अपने मन को परमात्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लगा दें। कभी कभी कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि ये तो संथारा शायद जो एक दया मृत्यु की तरह है। ऐसा भी नहीं है। जो दया मृत्यु अर्थात मृत्यु की जो भीख मांगी जाती है, जैसे कभी कभी राष्ट्रपति से कोई आवेदन करता है कि मेरे से ये वेदना सहन नहीं हो रही है इसलिए मुझे मृत्यु की इजाजत दी जाए, वह दया मृत्यु होती है। पर उसमें व्यक्ति उस वेदना से इतना पीड़ित होता है, इतना व्यथित होता है कि उसे लगता है कि मैं ये जीवन नहीं जी सकता। पर संथारा, संलेखना, उसे तो ना जीने का कोई मोह होता है, ना मृत्यु की कोई अभिलाषा होती है। उसके मन में कोई ऐसा भी नहीं होता कि मुझे मृत्यु जल्दी आ जाए, ऐसा भी भाव नहीं होता। वो तो सब तरफ से हट करके मात्र परमात्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तो भारतीय संस्कृति तो आत्म साधना की संस्कृति है और जैन धर्म में तो विशेष रूप से तप और त्याग को जो महत्व दिया गया है, एक उपवास भी करते हैं तो पूरा दिन केवल उबला हुआ पानी लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिया जाता। और दूसरे दिन सूर्योदय होने के 48 मिनट बाद फिर उस उपवास का पालन होता है। पर उपवास में कुछ नहीं लिया जाता क्योंकि उपवास भी उपवास अपने निकट जाने की, आत्मा के निकट जाने की साधना है। तो जब आत्मा के निकट ही जाना है तो ऐसी स्थिति में सब तरफ से हट करके आहार पानी का भी त्याग कर दिया जाता है, अपने भीतर जाने की साधना की जाती है, वही तो उपवास होता है। उपनिषद का भी अर्थ क्या है? अर्थात सद्गुरु के चरणों में जाकर बैठना, यही तो उपनिषद है। ऐसी संलेखना भी क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं में लीन होना, यही संलेखना है। अपने जीवन का सार खींचना, अपने जीवन में आत्मदेव की जितनी साधना की जा सकती है, उस आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति के मार्ग पर बढ़ते जाना, ये संलेखना है। इसे कभी भी गलत रूप नहीं दिया जा सकता। कभी कभी कई लोग कह देते हैं क्या ये स्वयं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मृत्यु का वरण नहीं है, ये तो वास्तव में मात्र अपने भीतर के जगत में जाने का एक मार्ग है, अंतर्मुखी होने का एक मार्ग है, इससे अधिक कुछ नहीं है। और जैन धर्म में अनेकानेक साधक ऐसे हुए हैं जिन्होंने संलेखना की है। स्वयं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने एक महीने की संलेखना स्वीकार करके और समेत शिखर तीर्थाधिराज पर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था।
और ऐसा एक नहीं अनेकानेक उदाहरण है। इसीलिए संलेखना एक बहुत ऊंचा तत्व है, कोई सामान्य वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को यदि समझा जाए तो समझ में आएगा ये कोई सामान्य साधक के वश की बात भी नहीं है। एक चाय का मोह भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, चाय भी जैसी चाहिए वैसी ना मिले तो क्रोध आ जाता है। तो क्या कोई जिंदगी भर के लिए आहार यूं ही छोड़ सकता है क्या? एक चाय के लेके क्रोध आ जाता है, आहार में भोजन में यदि व्यवस्था व्यवस्थित ना मिले तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। तो आप क्या ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि वो मानस कितना ऊंचा होगा कि जो अपने आहार पानी का त्याग करके शांति से आत्मस्वरूप में चला जाए, वो साधक वो मानस कितना ऊंचा होगा। हमें तो उनकी मात्र अनुमोदना करनी है, और हम तो परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसी निर्मोह अवस्था आए, बस इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता। किस तरह की साधना की जाती है? साधना जो एक शरीर को मैं मानने की बुद्धि बनी हुई है अनंत काल से अज्ञान के रूप में, पर वास्तव में शरीर क्या है? भौतिक तत्व है, जड़ तत्व है। जब इस शरीर के भीतर रहने वाले चैतन्य तत्व से, उस शाश्वत तत्व से साक्षात्कार किया जाता है, मूल में वही आत्म साधना होती है। पर जब तक जीव बहिर्मुखी बना रहता है, इंद्रियों के माध्यम से वो जगत को देखता रहता है, वो शरीर को ही मैं रूप मान के चलता है, ये शरीर के आधार पर ही अपना मूल्यांकन करता है। पर एक तो किसी की डेड बॉडी पड़ी हो तब किसी को समझ में आए कि कोई एक ऐसा तत्व था जो इस शरीर में से चला गया, पर एक साधक को उस अवस्था के आने से पहले ही समझ में आ जाता है कि वो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और मैं अलग हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्म तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। ये दिखाई देने वाला ये शरीर है, ये भौतिक तत्व है, ये देह है, ये तो काया है, और इस काया में जो रमन करने वाला राम है, इस काया में रमन करने वाला जो चैतन्य देव है वो मैं हूँ, और वो कभी मरता नहीं है। शरीर मरता है, वो चैतन्य देव तो शाश्वत रहता है, पर बस वो अपने अज्ञान के कारण संसार में भ्रमण करता है। उस अज्ञान को ही समाप्त करने के लिए, आसक्ति को समाप्त करने के लिए साधना की जाती है। आज के दिन में क्या आह्वान रहेगा? आह्वान तो बस इतना ही है कि हम अपने भ्रम को निवारण करें और सम्यक स्वरूप को समझें, और ऐसे पूज्य और ऊंचे सिद्धांत के प्रति एक भीतर में अहोभाव को पैदा करें। आलोचना करके किसी ऊंचे सिद्धांत के प्रति हम अन्याय न करें।